हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोटोपीडिया। दिस इज़ एपिसोड 3 और अभी यहाँ से हमें लगभग 60 किलोमीटर और जाना है और अपने यार दोस्त पस्त हो गए हैं तो बार बार ब्रेक लिए जा रहे हैं। अभी बहुत दूर है, चलो यार, रुक क्यों जाते हो बार बार? 50 किलोमीटर ही तो बचा है और क्या। ये खाने पीने का कुछ अच्छा है भी नहीं रास्ते में भाई। 50 किलोमीटर बचा, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, क्या रास्ते में रुकना है। आगे देखो कोई जगह समझ आए तो। चलो चलो, जरा रिकॉर्डिंग करनी है आप लोगों की एक एक करके। तो ये हैं हमारे IPS पाजी, जिम इंस्ट्रक्टर, शेफ, रेस्टोरेंटियर और भी न जाने क्या क्या। और ये चलाते हैं CBR 650F फर्स्ट जनरेशन। इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल और राइडिंग स्टाइल इनका इतना डोसाइल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, हाइपर माइलिंग कर सकते हैं इस बाइक से। अकेले ऐसे बंदे हैं जो दिल्ली से 350 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग बाइक को अभी तक ले आए हैं हमारे साथ। और ये अगले आ रहे हैं हमारे मिस्टर आतिफ खान, भूसा बॉय। भूसा इनका भयंकर वाला प्यार थी, कई साल इंतजार करने के बाद फाइनली इन्होंने ले ली है। आज तो ये भी हाइपर माइलिंग मोड में है और ये इन्होंने इसको खींच दिया। अल्टीमेट ओ हो, रोड पे गाय है, आराम से इधर उधर कहीं भी जा सकती है, इट्स नॉट सेफ। और ये अगले गोल्डन बॉय आ रहे हैं हमारे गोल्डन बेनेली पे। अरे अबे 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 भाई 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 शोएब भाई है ये, आतिफ भाई के ब्रदर इन लॉ लगते हैं भाई साहब। इन्होंने तो रेल बना रखी है अपनी मोटरसाइकिल की, इनको तो पकड़ने के लिए मुझे ही रेस लगानी पड़ रही है। और ये अपने गोल्डन बॉय है शोएब भाई, बेनेली 600i ये चलाते हुए विद IXIL एग्जॉस्ट लिमिटेड एडिशन ब्लैक। और इस बाइक की आवाज की तो क्या ही कहने, मतलब 5 लाख वीडियोस होंगी यूट्यूब पर जो इस बाइक की आवाज का टेस्टिमोनियल्स है। एंड नेक्स्ट इज हमारे जसमीत पाजी, जिन्होंने आज की सारी बुकिंग और ये ट्रिप पूरा प्लान एंड ऑर्गेनाइज और कल्मिनेट किया है। ये भी चलाते हैं द न्यू CBR 650F। इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन। और मैं तो कई बार सुबह से धोखा खा चुका हूँ कि ये जापानीज है या इटालियन मशीन है, बट वाओ, लुक एट द रियर ऑफ दिस मोटरसाइकिल मैन, लुक एट द रियर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो ब्यूटीफुल मशीन। बहुत सारी लोडिंग्स भी इनकी बाइक पे, शायद ही कोई ऐसी एक्सेसरी होगी जो इन्होंने ना लगाई हो इस पे। इसके बारे में डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे, एक आपको बताएंगे व्हाट आर द लोडिंग्स ऑन दिस मोटरसाइकिल, व्हाट इज इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ द मोटरसाइकिल एंड व्हाई डिड ही चूज दिस मोटरसाइकिल व्हेन ही कुड हैव बॉट अदर मोटरसाइकिल्स फॉर चीपर द प्राइस। बट नो डाउट भाई, लुक्स में तो ये अल्टीमेट है। देखो और आज इस ट्रिप पे हम 5 ही हैं टोटल। इस ट्रिप पे हम 5 बाइकर्स हैं टोटल। स्पीड डीमंस कहते हैं भाई हमारे ग्रुप को, इसके बारे में तो मैं इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया। ग्रुप इज कॉल्ड स्पीड डीमंस, वी आर 34 ऑड जेंटलमैन इन दिस ग्रुप और सबका हाथ टॉर्टोइस वाला टैटू होता है ना हाथ पे, हेयर और टॉर्टोइस, तो सबके हाथ पे वही फिट हुआ है। तो उसी तरह का अपना ये ग्रुप है
But sab bhai hai, it's been more than seven years since we have been riding together. And we usually do outstation rides only. Sunday rides pehle karte the yaar, but itna problems, police, nuisance on roads create ho gayi hai. इतनी न्यूसेंस ऑन रोड्स क्रिएट हो गई हैं कि भाई जेसीबी की खुदाई देखनी हो तो देख लो. न्यूसेंस और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है कि अब कोई नहीं करना चाहता यार. मतलब संडे राइड्स ऑलमोस्ट बंद हो गई है. चलिए अब आपसे मिलते हैं हम लोग अपने रिसोर्ट पे जाके. लेट्स सी हाउ द रिसोर्ट इज. टाइम बज गए हैं दो और हमारी अजम्पशन ये कहती है अबाउट हाफ एन आवर में हम लोग रिसोर्ट पर पहुंच जाएंगे. ओके बाय बाय. मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 7 और ये हम प्रॉपर्टी पे कल रात पहुंच गए थे लगभग शाम 5 बजे. उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर बातें बातें करते रहे. फिर ऐसा कुछ खास किया नहीं, सब थके हुए थे तो सब सो गए. तो ये रणथंभौर की प्रॉपर्टी है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की प्रॉपर्टी है. ठीक है, मतलब इट्स नॉट ग्रेट वाली प्रॉपर्टी. थोड़े से ओनर्स भी यहाँ के रूट टाइप्स ही हैं कि खाना इतने बजे मिलेगा, ये इतने बजे मिलेगा, रूम में कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा. बट आइसिंग है यहाँ पे कि यहाँ पे एक पूल है अच्छा सा, तो इसमें टाइम पास अच्छा हो जाता है. तो और ऐसी बढ़िया बढ़िया सुबह सुबह आवाज़ें यहाँ आ रही हैं मज़ेदार वाली. बाकी अभी कोई उठा नहीं है, जो अपने साथ आए हैं सब सोए हुए हैं. जब उठते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह का कुछ देखेंगे. भाई अब हम आ गए रणथंभौर फोर्ट पे. तो ये पीछे जाम लग रहा था तो गाड़ी यार कम से कम 1.5 किलोमीटर पीछे खड़ी करनी पड़ गई. अब ये देखो फोर्ट कुछ इस तरह का है. गाइड ले जाओ ना सर. गाइड 10वीं बार आए हैं 10 साल में. अरे कोई नहीं. ये हमारे भाई लोग ये बाइक पे 120 की स्पीड पे आगे 300 सीढ़ियाँ चढ़नी है भाई. 300 है. तीन सौ सीढ़ियाँ चढ़नी आगे. 300 चलो चलो. ये सुस्ती ने उतारने आए थे यहाँ. चलो भाई तुम्हें करा दे अशरफ भाई पालकी करा दे. कितने? 300.
तीस तीस के दस बैच तो बाहर खा लेंगे कहीं यार। हाँ तो आते भाई 300 सीढ़ियां हैं यार। कोई नहीं है, चढ़ जाएंगे। चढ़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। 6 किलो वेट कम करके। हाँ 6 किलो वेट कम करके ठीक। ये इस फोर्ट के पीछे का छुपा हुआ ज्ञान है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वीडियो पॉज करके देख के पढ़ लेना यार। मेरी बात सुन, पहले सबको इकट्ठा करने आगे, पहले सबको बोलना मैं किसे में पूरा बताएगा। भाई इस फोर्ट ने हमारे साथ कर दिया धोखा। 300-350 सीढ़ियां बोल बोल के, और जैसे ही हम मेन गेट से अंदर घुसे सामने साली 500 सीढ़ियां और खड़ी थी। बताओ यार ये कोई बात है? अब कोई नहीं, हम भी जोशीले लौंडे हैं, मोटे हैं तो क्या हुआ, फुर्ती हमारे अंदर पूरी है। फेदर वेट कैटेगरी में अपने आप को हम कंसिडर करते हैं, तो हम भी दौड़ लगा के जाएंगे, पूरा एंड तक जाएंगे। देखो भाई इतना चढ़ने के बाद ये व्यू मिला है। देखा हो, आई एम अ बॉर्न ऑफ रोडर। हाँ चढ़ जा। भाई साहब, अरे एक बाड़ी वहाँ पे भी है, देखो जूम करके ट्राई करता हूँ, दिखेगी तो। We'll be right back.
कुछ इस तरह का था रणथंभौर फोर्ट। इसमें एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जो यहाँ का बहुत फेमस है, तो उसी के लिए आप देख रहे हो ना सामने, ये लेट लेट के आते हैं लोग यहाँ पे, और ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग पीछे आ रहे थे। आतिफ भाई फर्स्ट, नितिन भाई सेकंड, उन्होंने तो आते ही खड़े कर दिए, अरे मुझे करनी ही नहीं। It's a plane, it's a bird, it's the golden boy. इसी तरह हंसते खेलते पूल में नहाते धोते हमारे दो दिन कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। अब यहाँ से हम लोगों ने करी ली फिर अपने चलने की तैयारी अगले दिन सुबह। तो काफिला तैयार है, ये शोएब भाई कोल्ड ड्रिंक पी के सुबह सुबह रेडी, हमने चाय पी है, ये चाय पी के रेडी। आपने तो क्या पी वाले हैं भाई? कॉफी पी। ग्रुप में कभी कभी आते हैं, मतलब ये नहीं कि बैठो लोग हैं। तो आपने चाय पी है, कॉफी पी है, कोल्ड ड्रिंक से चल रहे हो? बियर से काम चलेगा। चाय 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 पिए, कॉफी कॉफी। अब सबका तेल डल गया है, बाइकों में पेट्रोल डलवाने की बारी है भाई। राजस्थान में तेल मत डलवाया करो यार, 110 रुपए लीटर है। अरे ये बकवास प्रॉपर्टी है, किसी को रेकमेंड नहीं कर रहे हम। तो दोस्तों इस तरह अपनी ये रणथंभौर राइड कंप्लीट हुई, अब हम अपने घर की ओर चल रहे हैं। सॉरी फॉर द कैमरा एंगल यार, मैं इंस्टाग्राम की वीडियोस के चक्कर में वो कैमरा रोटेट कर दिया, फिर मैं उसको सीधा करना भूल गया, तो इसी तरह ही सारी रिकॉर्डिंग चलती रही है। अब घर जाते टाइम तो सब में अलग ही लेवल का जोश होता है, हमेशा ऐसा होता है कि जब आप राइड पर आ रहे होते हो और अब जब आप वापस जा रहे होते हो, तो जाते हुए हमारा टाइम हमेशा ही कम लगता है। तो आने में हमें शायद 8-9 घंटे लग गए थे, वापस जाने में हमें 6 घंटे लगेंगे। अब देखो आगे का सफ़र हमें कहाँ लेके जाता है, अब तक का सफ़र तो बड़ा ही सही था, अगली राइड पे हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कैसा होता है, ये तो हमें भी नहीं पता है। अभी कहीं रास्ते में रुक के कुछ लंच वंच करेंगे, उसके बाद सीधा घर की ओर निकलेंगे। और ये फिर बेनेली अपने आगे से मधुर संगीत निकालती हुई चली गई, तो इसके बाद फिर अगली राइड पर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ, ऑलवेज एट गैट, ऑल द गियर ऑल द टाइम। गर्मी चाहे कितनी भी लगी हो, गेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पहन कर रहना चाहिए।